हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स कल हमने क्वेश्चन किए थे 19 तक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि एक कमर्स इज क्लोज बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2018 विद ए कैपिटल ऑफ 30,000। एक बिजनेस स्टार्ट किया गया है कपड़ों का 1 अप्रैल 2018 को और उसमें कैपिटल लगाई गई है 30,000 की। ऑन 31st मार्च 2019 हिज एसेट्स वेयर वर्थ 50,000। इसके पास जो इसकी एसेट्स है वो है 50,000 की एंड लाइबिलिटीज है इसके पास 10,000 की। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट ईयर नेट ड्यूरिंग द ईयर। हमें जो कैलकुलेट करना है वो इसकी हमें क्लोजिंग कैपिटल और इसका इसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है ये पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बैलेंस शीट की जानकारी होनी चाहिए। बैलेंस शीट में जो है हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देते हैं। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बैलेंस शीट में लेफ्ट एंड राइट ये दो साइड होंगी। इस साइड जो है लाइबिलिटी आएगी और इस साइड आएगी एसेट्स और यहां पर अमाउंट। लाइबिलिटी यानी कि जो हमारी लाइबिलिटी है जो दायित्व है अमाउंट में आएंगे। कैश और एसेट्स जो है हमारी जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति है वे सब एसेट्स और यहाँ पर भी अमाउंट। तो लाइबिलिटीज में सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल और कैपिटल में प्रॉफिट कर देंगे नेट प्रॉफिट और माइनस कर देंगे इसमें से नेट लॉस। इसके बाद लेस कर देंगे इसमें से ट्रेविंग। ऐसा करने के बाद कैपिटल में प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट नेट और लेस कर देंगे नेट लॉस और लेस कर देंगे ट्रेविंग। तो ऐसा करने पर जो भी हमारी कैपिटल बचती है उसे बोलते हैं हम क्लोजिंग कैपिटल। इसके बाद क्रेडिट्स भी लाइबिलिटीज हो जाएंगे, बैंक लोन भी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और बिल्स पेबल भी इसमें आएंगे। तो ये तो हुआ लाइबिलिटीज। अब इधर आ जाओ एसेट्स पर। एसेट्स में जो है जैसे बिल्डिंग और फर्नीचर, प्लांट, डेटर्स, स्टोर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब जो है एसेट्स है। बिल रिसीव, मशीन, मोटर कार, लैंड, ये सब आ जाता है हमारा एसेट्स में और ये सब आएगा लाइफ। तो जैसे इसने दिया है कि बिजनेस स्टार्ट क्या है 30,000 की कैपिटल से, इनके पास कितनी कैपिटल है 30,000 की कैपिटल होगी 30,000 की इनके पास। और जो एसेट्स बताए इन्होंने अपनी टोटल एसेट जो है वो है इनके पास 50,000 की और लाइबिलिटीज बताई है इन्होंने कितने की। लाइबिलिटीज मिला के ये सारी जो है क्रेडिट्स मान लेते हैं लाइबिलिटीज को ये है 10,000 और बैलेंस शीट में जो है लाइबिलिटीज इक्वल एसेट्स जितने की लाइबिलिटीज होगी इतने की हमारी एसेट्स होगी जितने की एसेट्स होगी इतने की हमारी लाइबिलिटीज।
तो एसेट्स है हमारी टोटल यहाँ पे 50,000, 50,000 में से 30,000 की हो गई कैपिटल और 10,000 की हो गए हमारे क्रेडिटर्स। तो जो 10,000 बचा वे बचे नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट हो गया 10,000 का। तो क्लोजिंग कैपिटल कितने की हुई, 30 और 10, क्लोजिंग कैपिटल हुई हमारी 40,000।